सो हे गाइस वेलकम बैक। तो गाइस फाइनली मैं आप लोगों के लिए आज को माइनक्राफ्ट 1.17 सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड 23। अभी लास्ट एपिसोड में हमने विलेजियर से ट्रेड किया था एंड वहां से अपने को डायमंड के ऑलमोस्ट सारे टूल्स एंड आर्मर्स मिल चुके थे। अभी गाइस आज का अपना टारगेट रहेगा फिर से नेदर पे जाना एंड इस बार हम लोग नेदर में ढूंढने वाले एंसेंट डेब्रिस को। वैसे गाइस आप लोगों को तो पता ही होगा इस वर्ल्ड के अंदर हमें डायमंड ढूंढने के लिए यार कितना ज्यादा टाइम लगा था एंड बहुत ज्यादा माइनिंग करने के बाद भी अपने को बहुत ही कम डायमंड मिले थे। अभी मुझे जितना पता है कि भाई एंसेंट डेब्रिस डायमंड से भी ज्यादा रेयर होता है, तो पता नहीं यार इसके लिए अपने को कितना माइन करना पड़ेगा। एंड डायमंड का फिर भी एक चीज सही है कि हम लोग विलेजेस से ट्रेड करके डायमंड की चीजें ले सकते हैं, बट नेदरराइट के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें माइनिंग करके एंसेंट डेब्रिस को ढूंढना पड़ेगा एंड फिर यार हम लोग नेदरराइट बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नेदर पे आ चुके हैं एंड मैं जो है अपने पोर्टल के बिल्कुल साइड में ही माइनिंग स्टार्ट करने वाला हूँ, ताकि यार गलती से भी अगर हम लोग नेदर पे मर जाते हैं तो भी हम यहाँ पे जल्दी से जल्दी वापस आ सके। वैसे गाइस फिलहाल तो हम लोग नेदर पे स्पॉन पॉइंट सेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग बेड यूज नहीं कर सकते हैं, तो स्पॉन पॉइंट सेट करने के लिए फिर अपने को रिस्पॉन एंकर चाहिए होगा। फिलहाल तो यार अपने पास वो सारी चीजें है नहीं, तो यहाँ पे अपने को पोर्टल के आसपास ही माइनिंग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो गाइस यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डीप माइन करने वाले हैं। अभी हम लोग 59 लेवल पे हैं और अपना जो नेदरराइट है वो 13 या फिर 14 लेवल के आसपास मिलता है, तो पहले तो अपने को वहां तक जाना पड़ेगा। वैसे गाइस नेदर पे माइनिंग करना नॉर्मल वर्ल्ड से यार काफी डिफिकल्ट होता है क्योंकि यहाँ पे लावा बहुत ज्यादा होता है, तो अपने को बहुत ही ज्यादा संभाल के माइन करना पड़ेगा। तो कुछ टाइम माइन करते यहाँ पे मुझे एक नेदर गोल्ड ओर मिल चुका है। अभी नेदर पे तो ये चीज बहुत ही ज्यादा कॉमन है, तो नेदर पे अगर हम लोग थोड़ा बहुत माइनिंग करते हैं तो अपने को गोल्ड की तो कोई कमी नहीं रहेगी। वैसे गाइस ये जो गोल्ड ओर है इसको अगर हम लोग नॉर्मल पिकैक्स से तोड़ते हैं तो अपने को बस कुछ ही गोल्ड चंक्स मिलते हैं, लेकिन इसको अगर हम लोग सिल्क टच पिकैक्स से तोड़ेंगे तो अपने को गोल्ड ओर मिल जाएगा एंड फिर स्मेल्ट करने के बाद अपने को डायरेक्टली गोल्ड इनगट मिल जाएगा। अभी यहाँ पे मैं सिल्क टच वाला पिकैक्स लाना ही भूल गया था, तो अपने को वापस से ओवरवर्ल्ड पे जाना पड़ा। तो फाइनली यार मैं सिल्क टच पिकैक्स लेके आ चुका हूँ। अभी अपने को नेदर में जितने भी गोल्ड ओर्स मिलेंगे उनको हम लोग इसी से तोड़ेंगे। तो अभी गाइस हम लोग ऑलमोस्ट 36 लेवल पे आ चुके हैं, अपने को थोड़ा और नीचे तक माइन करना है एंड अभी तक गाइस हमें लावा भी नहीं दिखा है, तो ये भी काफी अच्छी बात है, शायद से हम लोग ठीक जगह पे माइन कर रहे हैं। तो फाइनली हम लोग लेवल 14 पे आ चुके हैं एंड लेवल 14 में यार सबसे ज्यादा एंसेंट डेब्रिस मिलता था। अभी मुझे नहीं पता है कि यार 1.17 अपडेट के बाद इसके साथ भी कुछ छेड़छाड़ हुआ है कि नहीं, लेकिन जो भी हो गाइस अभी हम लोग यहीं पे स्ट्रेट माइन करने वाले हैं। अगर अपने को यहाँ पे एंसेंट डेब्रिस मिलता है तो अच्छी बात है एंड अगर नहीं मिलता है तो फिर हम लोग किसी दूसरे लेवल पे ट्राई करेंगे। तो काफी टाइम से मैं यहाँ पे स्ट्रेट माइन कर रहा हूँ एंड अभी तक गाइस अपने को एक भी एंशिएंट डेब्रिस दिखा नहीं है, तो अभी गाइस मुझे समझ में आ रहा है कि एंशिएंट डेब्रिस को ढूंढने के लिए भी अपने को काफी पसीने बहाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे यार मैंने अपने प्लान को भी थोड़ा चेंज कर लिया है। अभी स्ट्रेट माइन करके तो यार कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे गाइस हम लोग थोड़ा रैंडम माइनिंग करेंगे, इससे हम लोग ज्यादा एरिया को कवर कर पाएंगे एंड ऑब्वियसली एंशिएंट डेब्रिस मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो नहीं यार इस तरह से भी बात नहीं बना, मैंने इस साइड को बहुत ढूंढा पर मुझे कुछ मिला नहीं, फिर मैंने सामने के साइड को भी थोड़ा माइन किया बट वहाँ पे भी यार सेम अपने को एक भी एंशिएंट डेब्रिस मिला ही नहीं। तो अभी अपने पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, अभी मैं बेड्स का यूज करने वाला हूँ। जैसे कि हम सभी को पता ही है अगर हम लोग नेदर पे बेड को टच करते हैं तो बिल्कुल TNT की तरह एक्सप्लोड करते हैं, तो अभी हम लोग बेड्स को यूज करेंगे। इससे गाइस हम लोग एक ही साथ काफी सारे ब्लॉक्स को तोड़ सकते हैं एंड ऑब्वियसली गाइस एक साथ अगर हम लोग ज्यादा ब्लॉक्स को तोड़ेंगे तो एंशिएंट डेब्रिस ढूंढना भी यार काफी ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे यार मैं कुछ बेड्स लेके आ चुका हूँ। अभी अगर मैं इन बेड्स को ऐसे ही एक्सप्लोड कर देता हूँ तो इससे यार बहुत तगड़ा डैमेज होगा, तो इनको एक्सप्लोड करने का भी एक ट्रिक होता है जिससे कि यार डैमेज जो है काफी मिनिमाइज हो जाए। वैसे गाइस मैंने इससे पहले इस ट्रिक को कभी यूज नहीं किया है, तो मुझे नहीं पता है कि अभी क्या होने वाला है। अपने को नॉर्मली माइन करके तो एंशिएंट डेब्रिस मिल नहीं रहा है, तो अभी अपने पास बस यही रास्ता बचा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक बेड को यहाँ पे प्लेस करना है, फिर इसके पीछे अपने को एक ब्लॉक लगा देना है। इस ब्लॉक की वजह से अपने को डायरेक्ट डैमेज नहीं होगा, अभी अपने को बस बेड के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे क्राउच कर देना है। तो यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो हमें बस हाफ हार्ट का डैमेज हुआ है, तो अपना ट्रिक तो यार बहुत सही से वर्क किया। तो यहाँ पे अभी काफी जगह खाली हो चुका है एंड भाई साहब यहाँ पे मुझे अपना फर्स्ट एंसेंट डेब्रिस दिख चुका है, तो फटाफट इसको कलेक्ट करते हैं। वैसे गाइस अभी हमने बस एक ही बेड को एक्सप्लोड किया एंड यहाँ पे हमें एंसेंट डेब्रिस भी मिल गया। तो मैं ये चीज बता रहा था अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल माइन करता तो मुझे नहीं लगता कि ये वाला एंसेंट डेब्रिस अपने को कभी मिलता भी, क्योंकि ये बिल्कुल ही ऊपर के साइड को था। तो जो भी हो गाइस यहाँ पे अभी हमें अपना फर्स्ट एंसेंट डेब्रिस मिल चुका है। अभी यार मैंने इसके आसपास भी अच्छी तरह से चेक कर लिया है, तो यहाँ पे तो यार और एंसेंट
ब्रिज नहीं है, तो चलो भाई अपने माइंड को कंटिन्यू रखते हैं। अभी अपने पास 3 और बेड्स बचे हैं, तो इनको एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे अपने को 2 ब्लॉक खाली कर लेना है। अरे भाई यहाँ पे मुझे वापस से एंशिएंट डेब्रिज मिल चुका है, तो फटाफट यार इसके आसपास के ब्लॉक को तोड़ लेते हैं। तो आसपास तो यार मुझे लावा दिख नहीं रहा है, तो फटाफट यार इसको भी तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे अपने को 2 एंशिएंट डेब्रिज मिल चुके हैं। इसके भी यार आसपास मैंने चेक किया, बट यहाँ पे भी एक ही एंशिएंट डेब्रिज था, तो कोई दिक्कत नहीं गाइस। अभी हम लोग यहाँ पे एक और बेड को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट मरने ही वाला था, मतलब बेड तो अपना बिल्कुल सही से एक्सप्लोड हुआ, पर पता नहीं कहाँ से लावा आ गया। किसी तरह से मैं पीछे की साइड में आके बच तो गया, बट उस साइड को अभी हम लोग और ज्यादा माइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो साइड अभी पूरी तरह से लावा से कवर्ड हो चुका है। तो अभी हमने दूसरी साइड में जो माइनिंग किया है, वहां पे भी मैं बेड्स को एक्सप्लोर करने वाला हूं। अभी भी हमें एटलीस्ट 2 और एंशिएंट डेब्रिज चाहिए होंगे, तभी जाके हम नेदरराइट इनगॉट बना सकते हैं। फाइनली गाइस कुछ साल माइनिंग करने के बाद यहाँ पे मुझे एक और एंशिएंट डेब्रिज मिल चुका है, एंड ओपी भाई इसके साइड में एक और एंशिएंट डेब्रिज है। तो यहाँ पे अपने को एक ही साथ 2 एंशिएंट डेब्रिज मिल चुका है, एंड यहाँ पे हमें बेड एक्सप्लोर करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, तो इनको यार फटाफट कलेक्ट करते हैं, एंड फाइनली अभी हम लोग अपने नेदरराइट इनगॉट को बना सकते हैं। अब इसके आसपास यार मैं थोड़ा बहुत चेक कर रहा था, एंड यहाँ पे मुझे एक और एंशिएंट डेब्रिज मिल चुका है। तो आज अपने को टोटल 5 एंशिएंट डेब्रिज मिले हैं। मुझे यार पता है कि ये बहुत कम है, बट अगर मैं अपने वर्ल्ड के हिसाब से देखूं, जहाँ पे डायमंड्स इतने कम मिलते हैं, वहाँ पे 5 एंशिएंट डेब्रिज मिलना भी यार काफी बड़ी बात है। तो ठीक है यार, अभी के लिए इतना माइनिंग ही काफी है। पता नहीं यार पिछले कितने घंटे से मैं कंटिन्यूअस माइन कर रहा हूँ। तो अभी यार फटाफट अपने मेन वर्ल्ड पे चलते हैं, एंड देखते हैं कि हम अपने कौन सा आइटम को नेदरराइट पे अपग्रेड करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें एंशिएंट डेब्रिज को स्मेल्ट करना है, एंड मेरे पास यार पहले से कुछ रॉ गोल्ड एंड रॉ आयरन्स भी थे, तो ये सारी चीजें भी ले चलते हैं। बाय द वे गाइस, आज मैं काफी दिनों बाद अपने अल्टीमेट स्मेल्टर को यूज करने वाला हूं। तो ये है गाइस अपना अल्टीमेट स्मेल्टर। यहाँ पे अपने को करना बस ये कि ऊपर वाले चेस्ट के अंदर जो भी अपना सामान है इन सभी को रख देना है, एंड ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली स्मेल्ट हो जाएंगी। अभी सिंपली इस लीवर को चालू करना है, एंड यहाँ पे गाइस आप लोग देख ही सकते हो स्मेल्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ये अल्टीमेट स्मेल्टर यार बहुत फास्ट वर्क करता है। इसको यार मैंने एपिसोड 4 या फिर 5 के आसपास बनाया था, तो अगर आप लोगों ने उस वाले एपिसोड को नहीं देखा हो, तो एपिसोड का लिंक मैं आप लोगों को आई बटन के ऊपर दे दूंगा, तो वहां से यार आप देख सकते हो। अभी एक और चीज गाइस, ये जो अपना एन्चेंटमेंट टेबल था, यहाँ पे मैंने बुकशेल्फ को गलत तरह से प्लेस किया था, तो आप लोगों ने मुझे इसके बारे में कमेंट में बताया। तो अभी यार मैंने बुकशेल्फ्स को सही तरह से प्लेस कर दिया है। अभी अगर मैं यहाँ पे कोई भी आइटम रखूं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये लेवल 30 तक एंचेंट हो रहा है। तो चलो यार अभी स्मेल्टिंग का प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका होगा, तो यहाँ पे अपने को सारी चीजें नीचे वाले चेस्ट के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपने को 4 नेदरराइट स्क्रैप मिले हैं, मतलब एक एंशिएंट डेब्रिज अभी भी स्मेल्ट होना बाकी है। तो ठीक है यार, इसको स्मेल्ट होने देते हैं। वैसे भी अपना नेदरराइट इनगॉट तो 4 स्क्रैप से ही बन जाएगा। तो फाइनली गाइस हमने नेदरराइट इनगॉट बना लिया है। अभी इससे किसी भी आर्मर या फिर टूल को अपडेट करने के लिए अपने को चाहिए होगा स्मिथिंग टेबल, एंड अभी मैंने यहाँ पे चेक किया तो अपने पास एक भी ओकुट नहीं था, तो अभी अपने को वापस से पीएड काट के लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपना स्मिथिंग टेबल भी बन चुका है। अभी सोचने वाली बात यह है कि हम लोग अपने कौन से आर्मर को नेदरराइट में अपग्रेड करेंगे। तो फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि अपने को चेस्ट प्लेट को अपग्रेड करना चाहिए। इसमें यार काफी अच्छे अच्छे एंचेंटमेंट्स है, तो यही ज्यादा काम पे आएगा। तो यहाँ पे अपने स्मिथिंग टेबल को प्लेस करते हैं, एंड दैट्स इट गाइस। एंड यहाँ पे हमने अपना फर्स्ट नेदरराइट चेस्ट प्लेट बना लिया है। अभी चलो यार इसको एक बार पहन के देखते हैं। तो सही में यार काफी ओपी लग रहा है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप कि गाइस आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दो, इसी तरह के गेमिंग रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए। मैं आप लोगों के साथ मिलूंगा कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, गुड बाय।